सागर जिले के देवरी विधानसभा के विधायक हर्ष यादव से हमारे संवाददाता ने चर्चा की तो उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देवरी विधानसभा को कोई विकास की योजनाओं का लाभ नहीं दिया है। मैं वर्तमान में विधायक हूँ और कांग्रेस पार्टी का आने वाले 2023 में प्रत्याशी हूँ। किस पर क्या कहना? जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र की से निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। गांव गरीब किसान है, के लिए मैंने काम किया है और निश्चित रूप से आज इन पिछड़े हुए क्षेत्र में और निश्चित रूप से गरीब के आंसू पहुँच सके, किसान के आंसू पहुँच सके, सर्वहारा वर्ग के लिए कल्याण हम काम कर सकेंगे, तभी हम मानव जीवन हमारा सार्थक होगा। मैं तो ईश्वर को मानकर परम आराध्य हमारे गुरुराज की श्री जुड़ा में नमन करके निकलता हूँ और एक ही संकल्प रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा अपने लोगों के लिए कर सकूँ, दुखी की खुशी की आंसू दे सकूँ। कहीं ना कहीं वो लोग जो कहीं ना कहीं शासन की योजनाओं से वंचित हैं उन योजनाओं का लाभ हम दिला सकें और निश्चित रूप से इन 18-20 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त हो गई है और चारों तरफ एक आंधी आई हुई है। आंधी क्या तूफान आया हुआ है, जिस दिन EVM का बटन दबेगा 2023 के 17 नवंबर को, तो निश्चित रूप से बेहद बड़ा जन समर्थन हमारी पार्टी को हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मिलेगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से नई सरकार का आगाज होगा। शिवराज सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आए दिन बयानबाजी करते हैं, देवास स्वप्न देखने की आदत उनकी है, दिन में भी सपने देखते रहते हैं, दिन में भी हजारों घोषणा करते हैं, हजारों घोषणा करने के बाद भूल जाते हैं। आज देवरी विधानसभा के लिए कौन सी बड़ी काम किए हैं ये जनता पूछती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, शिवराज सिंह से। वो बात घोषणाएं जो शिवराज सिंह जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न अंचलों में आकर घोषणा की थी कि हम अमुक मांग पूरी करता हूँ, अमुक तहसील बना दूंगा, अमुक नगर पंचायत बना देंगे, मगर आज हालत ये है कि देवरी क्षेत्र की जनता सहित पूरा मध्यप्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आज हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों कार्यक्रम से। कहीं ना कहीं आज कर्मचारी की बात हो, अधिकारियों की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, नारी शक्ति सम्मान की बात हो, हर वर्ग आज वर्तमान में परेशान है और निश्चित रूप से हमने ठान रखा है कि मध्यप्रदेश में एक बार पुनः एक ऐसी सरकार हम बनाएंगे जो हमने जनादेश 2018 में दिया था, वो इस बार इतना विशाल जन समर्थन जनता देगी कि खरीदने वाले, बगावत करने वाले, गद्दारी करने वाले लोग देखते रह जाएंगे और निश्चित रूप से मकान की सरकार बनेगी। अब ये बड़ी विसंगति है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 कस्बे बहुत बड़े बड़े हैं, गौरझावन लंबे समय से यहाँ की जनता चाहती थी नगर पंचायत बने, महाराजपुर बहुत पुराना हमारा कस्बा है, बड़ा बड़ी ग्राम पंचायत है, तीसरा केसरी, ये तीनों नगर पंचायत बनने की पूरी क्षमताएं रखते हैं। मत दुर्भाग्य की बात है, छोटे छोटे गांव को मिलाकर नगर पंचायत बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मगर इनका इन पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी गौर नहीं किया। भेदभाव की पक्षपात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।